ये हैं केनी सेबास्टियन, एक इंडियन कॉमेडियन। 1 जुलाई को वो एक ट्विटर डिबेट में इन्वॉल्व थे इंडिया के टिकटॉक बैन के बारे में, और फिर उस हैंडल ने उनको एक राइज बैक कन्वर्ट बुलाया था, जो एक डिसरिस्पेक्टफुल टर्म है जो क्रिश्चियंस के अगेंस्ट यूज किया जाता है। दूसरी कॉमेडियन अग्रीमा जोशवा ने केनी सेबास्टियन के सपोर्ट में ट्वीट किया था, जिसके बाद एक चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो गए उनके अगेंस्ट। Let's now get you the latest on the second arrest that has come about in the case of a comedian who was being trolled and issued rape threats. उनका फिर करीब एक साल पुराना वीडियो रीसर्फेस हुआ था, जहां वो allegedly एक मराठा आइकॉन छत्रपति शिवाजी को इंसल्ट कर रही थी, और फिर उनकी सोशल मीडिया बुलिंग स्टार्ट हो गई। जिस वेन्यू में उन्होंने परफॉर्म किया था, उधर तोड़फोड़ मचाई गई एक फेसबुक लाइव पर। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने उनकी अरेस्ट को डिमांड किया, और फिर एक वीडियो सर्कुलेट हुआ एक व्यक्ति का जिन्होंने अग्रिमा को अब्यूज किया और सेक्सुअली थ्रेटन किया। कई इन्फ्लुएंसर्स ने गुजरात पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा, और वडोदरा की पुलिस ने फिर उनको अरेस्ट किया। इस वीडियो का फोकस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में नहीं होगा, बल्कि होगा एक अनोखा तरीका जो कई लोग अपना रहे हैं, जिसमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं फेमस होने के लिए। ये हैं विकास पाठक, जो हिंदुस्तानी भाव के नाम से जाने जाते हैं। वो फेमस हुए थे एक वीडियो के बाद, जहां वो बहुत अब्यूसिव थे कुछ लोगों के अगेंस्ट जिनको वो एंटी नेशनल मानते थे। ये वीडियो वायरल हुआ था क्योंकि मोस्टली ये मीम्स में यूज किया गया था, और अपनी फेम को यूज करके वो कई और वीडियो शूट करने लग गए थे, और यूट्यूब और टिकटॉक की दुनिया में पॉपुलर हो गए थे। और उनके ऑलमोस्ट सभी वीडियोस एक सिमिलर थीम के थे, जहां वो किसी पॉलिटिकली रेलेवेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते थे, और कुछ लोगों को अटैक करते थे जिनसे वो डिसएग्री करते थे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज जिसमें गालियां देना आम बात थी। वो एक सिंपल मोबाइल फोन यूज करते थे, और ये सभी वीडियोस अपनी वो गाड़ी में शूट करते थे। उनकी पॉपुलैरिटी इस हद तक बढ़ गई कि वो बिग बॉस में कंटेस्टेंट भी बन गए, और उनकी पॉपुलैरिटी ने कई और इंडियन मेन को इंस्पायर किया है। शुभम मिश्रा उनमें से एक ही है, जो एक यूट्यूब चैनल चलाते थे जहां उनके करीब 3 लाख फॉलोअर्स थे। पर अगर आप उन सारे वीडियोस को देखोगे तो उन वीडियोस में यूजुअली 3 चीजें होती हैं। पहला कि वो बहुत सारी गालियां दे रहे होते हैं अपने वीडियोस में, दूसरा कि वो एक राइट विंग पॉलिटिकल ओपिनियन के बारे में बात कर रहे होते हैं, और फाइनली वो फिजिकल या फिर सेक्सुअल थ्रेट्स दे रहे होते हैं किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट। अब सवाल ये उठता है कि ये जॉनर ऑफ वीडियोस इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। क्लियरली इन वीडियोस की टारगेट ऑडियंस है एक यंग मेल ऑडियंस। अब गालियां देना कोई नई बात नहीं है, बहुत पुराने टाइम से गालियां एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन रही है। इनफैक्ट एक रीसेंट बुक ने बताया कि कैसे बादशाह अकबर भी गालियों को यूज करते थे। पर गालियां देना कभी भी एक कल्चर्ड या फिर लर्नेड थिंग नहीं मानी जाती थी, पर रिसर्चर्स के हिसाब से गालियों का एक एक्चुअल बेनिफिट भी होता है। जैसे कुछ रिसर्चर्स ने बताया कि कैसे गालियां देने से लोगों का स्ट्रेस कम होता है। हम लोग कम्युनिकेट 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है कि जब हम सोच समझ के कुछ कम्युनिकेट करते हैं, और दूसरा जब हम स्पॉन्टेनियसली कम्युनिकेट करते हैं या फिर बिना सोचे समझे। अब इन दोनों फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन को हमारे दिमाग के डिफरेंट पार्ट्स कंट्रोल करते हैं, और जब हम गालियां देते हैं हम यूजुअली उसके बारे में इतना सोचते नहीं है, इसीलिए हमारा ब्रेन का वो पार्ट इस चीज को कंट्रोल करता है जो स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है। अब मान लीजिए कि आपकी उंगली पर एक हथौड़ा गिर जाता है, तो आप इंस्टेंटली बोलेंगे। जब हम गालियां देते हैं या फिर स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन को यूज करते हैं, तो दूसरे लोगों को हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारे इमोशंस के बारे में एक क्लियर पिक्चर पता चल जाती है। और शायद इसीलिए रिसर्च स्टडीज के हिसाब से जब लोग ज्यादा गालियों को यूज करते हैं, तब वो ज्यादा ऑनेस्ट और लेस डिसेप्टिव माने जाते हैं। और ये फाइंडिंग हमारे लिए इतनी सरप्राइजिंग भी नहीं होनी चाहिए। वो लोग जो बहुत ज्यादा गालियां देते हैं, यूजुअली माने जाते हैं कि वो बहुत नेचुरल है, उनका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, वो बिना फिल्टर के बात कर रहे हैं। जबकि पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ कई लोग बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक या फिर पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं, इसीलिए शायद उन पर ट्रस्ट इतना लोग नहीं करते। और स्पेशली जब लोगों की एक एसोसिएशन होती है किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनकी रियल इंटेंशंस हमें शायद पता नहीं चलती। पर जब कोई स्क्रीन पर आता है जो एक कॉमन मैन की तरह दिखता है या फिर बात करता है और बिना फिल्टर के बात करता है, तो शायद वो वीडियोज लोगों को एक इम्प्रेशन देते हैं कि इंडिया का कॉमन मैन एक्चुअली कैसे सोच रहा है, और शायद इसी वजह से लोग इन वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। पर गालियां बस एक पार्ट है हिंदुस्तानी भाव या फिर शुभम मिश्रा की अपील के बारे में, दूसरा पार्ट है उनकी पॉलिटिकल ओपिनियंस। कई स्टडीज ने यह समझने की कोशिश करी है कि राइट विंग पॉलिटिकल कंटेंट इतना पॉपुलर क्यों है यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स पर,
और एक कारण जिस वजह से राइट विंग पॉलिटिकल ओपिनियन पाए जाते हैं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स में, वो है कि इन प्लेटफॉर्म्स में एक वीडियो क्रिएट करना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं है और एक सिंपल बैकग्राउंड चाहिए होता है इन क्रिएटर्स को एक एस्टैब्लिश कंटेंट कंपनी से कम्पीट करने के लिए। पर ये लो बैरियर ऑफ एंट्री तो लेफ्ट विंग क्रिएटर्स के लिए भी है, बस राइट विंग ओपिनियंस ही क्यों पॉपुलर है। और इसके पीछे कारण ये है कि इंडिया में और कई और देशों में, हमारे वर्ल्ड में, मेन बिल्डिंग ब्लॉक राइट विंग पॉलिटिकल ओपिनियंस का है फियर या फिर डर। ज्यादातर राइट विंग कंटेंट फियर के इमोशन को यूज करता है ट्रैक्शन गेन करने के लिए, चाहे वो डर इमिग्रेशन का हो, पॉपुलेशन इंक्रीज का हो या फिर हमारे कल्चर का हो। और राइट विंग या फिर कंजर्वेटिव मूवमेंट्स में इस डर को यूज करने के पीछे कई साइंटिफिक रीजंस भी हैं। जैसे एक 2012 की स्टडी में लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टिसिपेंट्स को कई फोटोज दिखाई गई, कुछ जो नेगेटिव फोटोज थी और कुछ पॉजिटिव, और फिर उनकी आई मूवमेंट्स रिकॉर्ड करी गई, जहां लिबरल पार्टिसिपेंट्स पॉजिटिव इमेजेस जैसे एक हैप्पी चाइल्ड पर फोकस करते थे, कंजर्वेटिव पार्टिसिपेंट्स नेगेटिव फोटोज पर ज्यादा फोकस करते थे। और दूसरी स्टडीज ने ये दिखाया कि कंजर्वेटिव लोग, यानी कि वो लोग जिनके राइट विंग पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं, वो ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हैं थ्रेट से। जैसे एक 2008 की स्टडी ने दिखाया कि वो लोग जिनके ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स से सडन नॉइज या फिर बहुत ग्राफिकल इमेजेस से, उनके कंजर्वेटिव ओपिनियंस से। और आज की दुनिया में जहाँ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, सोशल मूवमेंट जैसे LGBTQ+ या फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रही है और इमिग्रेशन की वजह से कई एटीट्यूड्स और कई कल्चर्स चेंज हो रहे हैं, लोग डरे हुए हैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में, अपने कल्चर के बारे में और अपनी इकोनॉमिक पोजिशन के बारे में। इसीलिए कई पॉलिटिकल ओपिनियंस राइट विंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि राइट विंग मूवमेंट ही इन चेंजेस को रेजिस्ट करती है। और तीसरा कंपोनेंट इन वीडियोस का है फिजिकल या फिर सेक्सुअल थ्रेट्स। अब ज्यादा सरप्राइजिंग चीज ये नहीं है कि ये इन्फ्लुएंसर्स इन थ्रेट्स को यूज करते हैं अपने वीडियोस में, बल्कि इन ग्राफिकल थ्रेट्स के बावजूद लोग इन वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। तो फिर सवाल यह है कि लोग ऐसे कॉन्टेंट को इसके बावजूद क्यों देखते हैं। दो रिसर्चर्स के पास शायद इसका आंसर है। बिल ओरायली एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जिनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट एलिगेशंस थी, और हार्वी वाइनस्टीन एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर थे जिनके अगेंस्ट रेप और सेक्सुअल असॉल्ट एलिगेशंस थी। ओरायली एक कंजर्वेटिव यानी कि राइट विंग माने जाते थे, जबकि हार्वी वाइनस्टीन एक लिबरल। रिसर्चर्स ने दोनों लिबरल और कंजर्वेटिव अमेरिकन से इन दोनों केसेस के बारे में जानने की कोशिश करी और उनसे ये पूछा कि क्या इन लोगों को जेल जाना चाहिए अपने एक्शंस के लिए या नहीं। और उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मिली, जहां लिबरल दोनों ओरायली और वाइनस्टीन को इक्वल प्रोबेबिलिटी से जेल भेजना चाहते थे, वहीं ज्यादा कंजर्वेटिव ने वाइनस्टीन को जेल भेजने की बात करी एज कम्पेयर टू ओरायली। अब ऐसा क्यों होगा? एक थ्योरी ये है कि लिबरल्स और राइट विंग यानी कि कंजर्वेटिव्स के बीच में एक मॉरल फाउंडेशन का डिफरेंस है। इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर लिबरल्स इंडिविजुअल वैल्यूज जैसे इक्वालिटी, जस्टिस और फेयरनेस को ज्यादा वैल्यू देते हैं, जबकि कंजर्वेटिव्स ग्रुप वैल्यूज जैसे ग्रुप की तरफ लॉयल्टी को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। और शायद इसी वजह से जब एक कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर ओपनली एक फिजिकल या फिर सेक्सुअल थ्रेट देता है तो उनकी ऑडियंस इतना माइंड नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनसे कम्प्लीटली अग्री करते हैं, पर क्योंकि उनकी ज़्यादा प्रायोरिटी है अपने ग्रुप की तरफ लॉयल्टी, वो उस कंटेंट को फिर भी देखते हैं। गालियों का इस्तेमाल करके, राइट विंग पॉलिटिकल ओपिनियंस के बारे में बात करके और ओपनली थ्रेट्स देखकर कई इन्फ्लुएंसर्स जैसे शुभम मिश्रा अपनी पॉपुलैरिटी ड्राइव करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। सोशल मीडिया कंपनीज को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने प्लेटफॉर्म्स के बारे में। कई स्टडीज ने इन प्लेटफॉर्म्स में राइट विंग रेडिकलिज्म के बारे में बात करी है। ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स को डेवलप कर और यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल देकर ये सोशल मीडिया कंपनीज कुछ हद तक इस टॉक्सिक एनवायरमेंट को कम कर सकती हैं। पर रियलिस्टिकली इन स्टेप्स के बावजूद इस एनवायरमेंट को चेंज करना बहुत मुश्किल होगा तब तक जब तक हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटीज रिएक्ट नहीं करती। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली एक यूनिक पोजीशन पर है, जहां बीजेपी और शिवसेना दो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है मराठा आइकन्स को, वो सरकार की दूसरी साइड्स पर है, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल एंगल क्रिएट हो गया इस सिचुएशन में। और जब तक रूलिंग पार्टीज सोशल मीडिया बुलिंग को अबैंडन नहीं करती, तब तक ये एनवायरनमेंट कंटिन्यू करता रहेगा। पर एज इंडिविजुअल्स हम भी कुछ कदम उठा सकते हैं। फर्स्टली हम अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं सोशल मीडिया बुलिंग के बारे में,
डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स इंसर्ट कर दिए, आप उनको पढ़ सकते हैं इसके बारे में और समझने के लिए। दूसरा, कि इन लोगों के बिहेवियर को नॉर्मलाइज नहीं करें। हिंदुस्तानी भाव पॉपुलर हुआ था क्योंकि उनके बिहेवियर को मीम्स की तरह यूज़ किया जा रहा था, पर ऐसा मत कीजिए, बल्कि इस बिहेवियर को स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कंडेम कीजिए और बताइए कि ये गलत है। और फाइनली, वो लोग जो सोशल मीडिया बुलिंग से गुजर रहे हैं उनको सपोर्ट दीजिए। अगर उनके DMs ओपन है तो सिंपली एक उनको मैसेज कर दें कि हम आपको सपोर्ट करते हैं एंड दैट वी आर सॉरी फॉर व्हाट यू वेंट थ्रू। ये इश्यू इतना इजी नहीं है सॉल्व करने के लिए, पर अगर हम ऐसे छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो कुछ हद तक उसके नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो सकते हैं।